Hello guys, welcome to your own channel Banking Spartan. So today in this video I am going to discuss about SBIPO prelims expected cutoff. हम सारी shift को discussion करेंगे, उसके बाद एक expected cutoff पर हम एक पूरा analysis करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपको पता है कि nowadays जो banking examination है mains especially, उसमें current affair को लेकर काफ़ी सारे changes हुए हैं. जैसे कि आपने IBPS RRBPO के mains में देखा है, clerk के IBPS RRB clerk के mains में देखा है, SBI clerk के जो मेंस हुआ था उसमें भी देखने को मिला, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अफेयर्स क्लाउड का जो करंट अफेयर्स का पैक है उसको लेकर आप देख सकते हो. उसमें काफ़ी सारे जो करंट अफेयर है वो डीपली कवर किया गया है, जो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा बैंकिंग की मेंस एग्जामिनेशन को लेकर. और अगर आप स्पार्टन कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा उसमें. सो हम बात कर रहे थे SBIPO के प्रीलिम्स के जो एनालिसिस है उसको लेकर. तो हम सारी शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारी शिफ्टों में जो रीजनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल का था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था. तो मैं इस वीडियो में रीजनिंग को बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूँगा. तो रीजनिंग में अगर आपने 22 से लेकर 28 के बीच में अटैम्प्ट करें, सो दैट्स अ गुड अटैम्प्ट, है ना. और इसमें इसके बीच ही मार्क्स आपके आने चाहिए. और अगर आप में इसमें नहीं आ रहे हो तो आप उसको कंपनसेट करके इंग्लिश या मैथ्स से ले सकते हो. अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की. तो मैथ्स में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले, वेरिएशंस स्पेशली मैथ्स में ही देखने को मिले. जैसे कि 20th की फर्स्ट शिफ्ट, 20th की सेकंड, 20th की थर्ड और फोर्थ, उसके बाद 21st की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी, इन सभी शिफ्टों में मैथ्स थोड़ा सा ईजियर साइड था. मैं ईजियर साइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग सीरीज आई थी, जो कि ईजीली 10 क्वेश्चंस डूएबल थे, 10 to 12 क्वेश्चंस ईजीली डूएबल थे, तो आपके ईजीली बन जाते. उसके बाद DI जो था सभी शिफ्टों में एक जैसा ही थोड़ा सा लेवल अप करके दिया हुआ था, मतलब लेंथियर साइड था, डिफ़िकल्ट साइड बोल सकते हैं. बट 27th और 21st की थर्ड शिफ्ट और 27th की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, इस शिफ्ट में DI थोड़ा सा एक लेवल और अप कर दिया था डिफ़िकल्ट साइड में, जिसमें आपको दो में से एक DI चूज़ करने में भी सोचना पड़ रहा था कि कौन सा DI चूज़ किया जाए, कंपेयर टू अदर शिफ्ट जैसे 20 की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 21st की फर्स्ट सेकंड और फोर्थ शिफ्ट के मुकाबले. और हर व्यक्ति को अपनी शिफ्ट डिफ़िकल्ट, अपना दुख और अपनी शिफ्ट सबको डिफ़िकल्ट ही लगता है ना. तो उसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है. तो अब मैं जनरली बात करूँ कि जो कट ऑफ है वो किस तरीके से वेरी करेगा. तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट 80 प्लस भी जा चुके थे लास्ट ईयर, करे थे अटैम्प्ट. और इस साल देखा जाए तो काफ़ी कैंडिडेट के अटैम्प्ट 80 टच भी नहीं हुए हैं. जिनके टच हुए हैं उनको पता होगा कि आपको कि मैथ्स और रीजनिंग में उन्होंने 50 करे होंगे, फिर 30 उधर कर, क्योंकि जो कि पॉसिबल नहीं थे 50 तो अटैम्प्ट करना. काफ़ी कम कैंडिडेट के 50 अटैम्प्ट हुए दोनों को मिलाकर, फिर 30 इंग्लिश में करे होंगे. तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश किसी का भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं किया जा सकता. तो अगर आपने किसी भी शिफ्ट से हो, अगर डिफ़िकल्ट में हो तो आपने 52 प्लस अटैम्प्ट करें. मैं वो बताने नहीं वाला जो आप सुनने वाले हो कि 48 कर लिए मैंने, 44 कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा. 11 लाख कैंडिडेटों ने दिया था, अप्रॉक्स 9 लाख का मोटा मोटा डेटा है. उस हिसाब से देखा जाए तो हर शिफ्ट में 90 हज़ार से लेकर 1 लाख कैंडिडेट्स अप्रॉक्स बैठे होंगे. उस हिसाब से देखा जाए तो 2000 के अप्रॉक्स हर शिफ्ट में, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, 1500 से 2000 के बीच में कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे. तो 90+ परसेंटाइल आपकी शिफ्ट में आपके नंबर आने चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा. ये आपको पता होना चाहिए, आपको दूसरी शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपकी अपनी शिफ्ट में अच्छे नंबर होने चाहिए. तो उस बेसिस पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपके डिफ़िकल्ट शिफ्ट में 52 प्लस विथ 95 प्लस एक्यूरेसी है ना. अगर आपने 55 करो, 52 मार्क्स आ रहे, दैट्स अ गुड स्कोर डिफ़िकल्ट शिफ्ट में. और ईजियर शिफ्ट में अगर आपने 60 अराउंड करे और 55 स्कोर आ रहा है तो दैट्स अ गुड स्कोर, 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ मैं. 100% एक्यूरेसी है 55 करें, आप किसी भी शिफ्ट से ईजिली हो जाएगा. और 52 प्लस करें आपने डिफ़िकल्ट शिफ्ट में, 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. कट ऑफ एक्सपेक्टेड है जो मुझे लग रहा है वो 55 प्लस 2.5 और माइनस 2.5, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा. कोई 60-60 नहीं जाने वाला, और जाएगा तो जो ईजियर शिफ्ट आई थी उसको बेस मान के, क्योंकि SBI दो तरीके से कट ऑफ निकलता है, लोअर साइड और अपर साइड. वो SBI को डिसाइड करना है कि लोअर सर्किट जाता है कि अपर सर्किट. लेकिन PO में अधिकतर होता है कि वो मॉडरेट ही रखता है, मतलब लोअर और अपर के बीच की सर्किट यूज़ करता है. जैसे आपने पिछली बार भी देखा होगा 57 पॉइंट समथिंग कुछ गया था कट ऑफ, उसके पहले इसलिए चला गया था 71, क्योंकि लोगों के अटैम्प्ट ही उस समय 90 प्लस थे, 95 92 ऐसे अटैम्प्ट जा रहे थे, कट ऑफ तो जाना ही था हाई. तो ये था पूरा मेरा एनालिसिस. अगर आपके 52 डिफ़िकल्ट शिफ्ट में और 55
मॉडरेट शिफ्ट में है। और इंग्लिश की मैं बात करूँ, आप इंग्लिश का भी बोलोगे तो इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट आई है, लेकिन 27th की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में इजी आ गई थी इंग्लिश, काफ़ी ईजी थी। कैंडिडेट्स ने काफ़ी ना 30 और 30 भी अटैम्प करे उसको लेकर, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। डिफिकल्ट शिफ्ट की मैं बात कर लूँ तो 21st की थर्ड शिफ्ट, 27 की सेकेंड और फिर 27 की फर्स्ट शिफ्ट, ये तीनों थोड़ी सी डिफिकल्ट शिफ्ट में है क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी तो इस वजह से। और जो 27 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, और बाकी DI सब में एक ही लेवल के थे। तो 52 और 55, तो ये था मेरा कट ऑफ प्रिडिक्शन, 55 2.5 प्लस और 2.5 माइनस 55 माइनस 2.5। तो ये था पूरा कट ऑफ को लेकर एनालिसिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।